19 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस बुलंद हैसियत के मालिक का शहादत दिवस है जिसे हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। 19 दिसंबर 1927 के ही दिन बिस्मिल अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीति के भेंट चढ़ गए थे और इस बलिदान का गवाह बना था गोरखपुर का ये जिला जेल। 90 सालों से जेल की चार दीवारियों के बीच ये फांसी का तख्ता बिस्मिल के अंतिम सांसों का अकेला चश्मदीद है। इसी फांसी के तख्ते से राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी बनाए जाने की वजह से लटका दिए गए थे। 90 सालों पहले शायद अंग्रेज गोरों ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिसे हम फांसी दे रहे हैं उसकी शहादत को सलाम करने के लिए एक हुजूम आएगा। भारत के आज़ादी के इस दीवाने की शहादत पर जिला जेल में मेले जैसा मंजर लग रहा था। सभी ने बिस्मिल की मूर्ति को फूल मालाओं से ढकना चाहा, जिसमें गोरखपुर के नव निर्वाचित महापौर सीताराम जायसवाल भी शामिल रहे। साथ ही जेल परिषद में इस दिव्य आत्मा की शांति के लिए हवन भी कराया गया। जिला जेल के आसपास का माहौल शायद यही कह रहा था, जरा याद करो कुर्बानी। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला जेल के अधिकारी ने बताया, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर शहीद सेनानियों की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले रहे हैं। ऐसे शहीदों की महान कुर्बानी का परिणाम है कि आज हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर के अपना स्वतंत्र रूप से देश की तरक्की कर रहा है। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को उनके शहादत दिवस पर जिला कारागार गोरखपुर के प्रांगण में बहुत विशाल पैमाने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता रहा है और इस साल भी हो रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के बहुत से सम्मानित नागरिकगण, हमारे गोरखपुर नगर के सम्मानित नागरिकगण बहुत अधिक संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिस्मिल के शहादत दिवस पर एक खास बात देखने को मिली, जहां एक और बूढ़े और बुजुर्ग और नौजवान ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं छोटे बच्चे भी इनकी शहादत को सलामी देने पहुंच गए। 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चुमने वाला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन किसी बड़े रोमांच से कम नहीं, और रोमांच भी ऐसा जिसकी किस्मत में लिखा हो अमर होना। के लिए जब हथियारों के भेजने की बारी आई तो लखनऊ से शाहजहां पे जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को पंडित राम प्रसाद के समय रोशन सिंह उस स्थल को जाएंगे जहां पर पंडित बिस्मिल जी को आज ही के दिन गोरखपुर समिति जी और आदरणीय श्रीमती नलिनी सिन्हा जी जाम ना लगा और थोड़ा इधर ध्वनि करते रहे।
किया वो कुछ दिन बाद मिला कर उद्घाटन कर हेलो कहाँ हो माता की कुछ लोग ऊपर चढ़ जाइए कुछ लोग ऊपर अरे भाई तेन धीरे 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 बस इससे आगे कोई नहीं जाएगा। वीर शहीदों का बलिदान रामप्रसाद बिस्मिल मर रहे हैं 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 शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। जी हाँ, यहाँ पे गोरखपुर के जिला जेल में पूरी तरह से मेले का माहौल है। यहाँ पे 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के वृद्ध तक यहाँ पे आए हैं राम प्रसाद बिस्मिल की 90वीं शहादत दिवस को सलामी देने के लिए। गोरखपुर न्यूज़ के लिए सुनय पांडे।